हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए। और पहला चीज़ है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैं डिस्कस करूँगा। सो टाइम का बहुत कम अभाव इफिशेंसी रखते हुए मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। और एनआरसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे कि फर्स्ट है एनआरसी। एनआरसी को हम ऐसे याद करेंगे कि अनार जानते हैं दोस्तों, हम लोग को भारत देश में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत कम मिल पाती है। तो हम लोग इससे इंटरकनेक्टेड मतलब हम लोग याद कर सकते हैं कि कम मिलना, यानी कि गवर्नमेंट बाई अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हम लोग याद कर सकते हैं क्या, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आगे है दोस्तों एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि एरिस्टो के लिए एक्रेसी के लिए होता है कि गवर्नमेंट बाई द नोबल्स और लॉर्ड्स। वेरी गुड। ऑटोक्रेसी के लिए मेरे पास ट्रिक है दोस्तों, और मैं इसको ऐसे याद करवाऊंगा कि ऑटो मतलब होता है कि ऑटो तो आप लोग जानते होंगे कि ऑटो तो एक व्यक्ति चलाता है, तो जब एक व्यक्ति चलाएगा तो गवर्नमेंट बाई है सिंगल पर्सन चाहे वन पर्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है कि ऑटो है फिर यहाँ पर ऑटो लगा है दोस्तों, तो हम लोग अभी मैं बोला कि ऑटो तो सिंगल पर्सन चलाएगा, तो ऑटो जब सिंगल पर्सन चलाएगा तो नॉमी मतलब नॉमी को आप नेम से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मतलब कि जो नेम तो खुद का होगा, जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो नेम आपका खुद का होगा, तो ऑटोनॉमी मतलब हो जाए कि राइट आप खुद, यानी कि द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट इज दैट है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि ब्यूरो, आपको जब आप बोल रहे होंगे ब्यूरो तो आपको कुछ अलग टाइप का लग रहा होगा कि ब्यूरो जैसे लंबा नाम है, ठीक है, कि कुछ लंबा नाम और बड़ा नाम लग रहा है, तो इसे यूज होगा किसके लिए, बड़ा किसके लिए यूज होता है। अरे आजकल के जनरेशन में ऑफिसर वाले को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो इसकी वजह से आपको हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बाई द ऑफिसर्स। आगे दोस्तों डेमोक्रेसी तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसके लिए ट्रिक आप पूछ रहे हैं तो डेमोक्रेसी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि डेमो तो कोई हर कोई करने चला जाता है आजकल कोचिंग क्लास में जाते हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी लोग करने चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट बाई द पीपुल, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट जीरोन्टोक्रेसी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जीरोन्टोक्रेसी। जीरोन्टोक्रेसी और आर्ची, ठीक है, ये जहाँ भी लगा हुआ है दोस्तों इसका मतलब ही है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करेगा। तो हम लोग जीरोन्टोक्रेसी के बारे में यह जानेंगे कि जीरो आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, जीरो थिंकिंग पावर जीरो किसकी हो जाएगी, जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड मैन हो जाते हैं, जब हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं तो हम लोग का थिंकिंग पावर क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो से हम लोग याद करेंगे जीरोन्टोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट बाई द ओल्ड मैन। कैकिस्टोक्रेसी के कह रहा है कि कैकिस्टो, इसका आगे क्या लगा हुआ है, कैकिस्टोक्रेसी मतलब क्रेसी तो गवर्नमेंट हो गया, कैकिस मतलब किस से तुम गवर्नमेंट को चलाओगे, तो गवर्नमेंट बाई द चलो वर्स्ट सिटीजन जो है उससे भी तुम अपना गवर्नमेंट चला लो, वर्स्ट सिटीजन जो है उससे भी तुम अपना गवर्नमेंट चला लो। नियोक्रेसी का मतलब हमें जानते हैं कि नियो मतलब नया, इसको इंटरकनेक्टेड आपको करना पड़ेगा, नाउ इट इज़ इंटरकनेक्टेड विथ न्यू एंड न्यू जो भी व्यक्ति आएगा, एनी वन हु कैन कम इन न्यू, सो इट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, इट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि इससे हमको इंटरकनेक्टेड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। ओक्लोक्रेसी आपको ये करना पड़ेगा कि ओक्लो जो आप बोलते हैं ओक्लो से आपको ये हो जाएगा कि ओ जब बोलते हैं तो वो कनेक्टेड हो जाएगा मोब और ओक्लो दोनों सेम आता है, और मोब को हम ओक्लोक्रेसी को एक चीज़ और बोलते हैं, मोबोक्रेसी भी इसको बोलते हैं मोब के वजह से, ठीक है दोस्तों। ओलिगार्ची का कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ओलिगार्ची मतलब फ्यू पर्सन। पेनार्ची का आपको याद करना पड़ेगा कि पेनार्ची मतलब होता है कि पेनार, इसके आगे लगा हुआ है क्या, पेनार्ची, यानी कि पेनार्स को आपको इंटरकनेक्टेड होना है प्लानट
और जब हम प्लैनेट को जब बात करते हैं तो प्लैनेट कहाँ होते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट रन बाय यूनिवर्सली, गवर्नमेंट रन बाय यूनिवर्सली। उसके बाद है प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, प्लूटो हमारे बहुत कम होता है, प्लूटो तो बहुत सबसे छोटा है और सबसे छोटा ही कम होता है, तो हमारे जो रिच पर्सन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से तो गवर्नमेंट बाई द रिच, गवर्नमेंट बाई द रिच। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि नॉट सेफ, आपको ये याद ऐसे समझना होगा कि सेक्युलर मतलब भगवान से जो दुश्मनी करेगा और उनके कानून नियम कानून को तोड़ेगा चाहे नहीं मानेगा तो उसको हम क्या होगा, नॉट सेफ होगा। तो हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बाई नॉट द लॉज ऑफ रिलीजन, नॉट द लॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है दोस्तों। मोनार्ची, मोनार्ची तो आप जानते होंगे हर कोई है, तो आसान सा सवाल है कि मोनार्ची गवर्नमेंट बाय द किंग और क्यों इसको मोनार्ची। नाउ अराइजेज द क्वेश्चन इज दैट थियार्ची, थियर्च को कनेक्ट कीजिए फियर से, फियर मीन्स घोस्ट, ठीक है, फियर मीन्स घोस्ट, और घोस्ट डरता किससे है, गॉड से, तो थियर इज द अपोजिट वर्ड ऑफ फियर, यानी थियर गॉड, यानी गवर्नमेंट बाय द गॉड इज कॉल्ड थियार्ची। और थियोक्रेसी हम उसे बोलते हैं, थियो इसमें भी मतलब थियो लगा हुआ है, यानी ए आर नहीं है, ईओ है, तो इसका मतलब है कि आई भी गॉड से रिलेटेड होगा। ये जो है सेक्युलर जो होता था नॉट सेफ होता था, लेकिन ये सेफ रहेगा और ये मानेगा, तो यानी कि गवर्नमेंट बाई द लॉज ऑफ रिलीजन, सो इट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ सेक्युलर, एंड सेक्युलर इज द अपोजिट वर्ड ऑफ थियोक्रेसी। सो एग्जाम्पल मैं आपको देकर के ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भूटान इज सेक्युलर देन इंडिया इज ब्लैंक, सो उसमें आपको भरना पड़ेगा कि थियोक्रेटिक, ऑप्शन में यह दिया हुआ रहेगा कि थियोक्रेटिक, सो इसका आंसर विल बी द थियोक्रेटिक। सो आज का दोस्तों आप लोग को शायद मजा आया होगा, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।